और यह देखिए बहुत ही भव्य रूप से बनाया गया है यहाँ का पंडाल। और यह श्री कृष्ण महिला कॉलेज जहानाबाद से लेकर के मलाचक तक बना हुआ है। और ये देखिए मलाचक से पंचमाला तक का जो पंडाल है वह पंडाल है, यह पंडाल मलाचक मोड़ से लेकर पंचमाला तक बना हुआ है। तो इस तरह से ये सजावट है मलाचक मोड़ से पंचमाला तक का। तो यह विगत वर्षों में प्रसिद्ध पंडाल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का पंडाल किस तरह से है। तो बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया गया है मलाचक में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यह है पंचमाला का पंडाल। तो विगत वर्षों में पंचमाला का पंडाल बहुत ही भव्य रहा है और इस बार इस तरह से बन रहा है। तो आगे में देखते हाथी के दो मुंह बने हुए हैं और पीछे में आप देख रहे हैं कि जो मूर्ति है उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। और इधर में इस तरह से सजावट है जो भी आपने देखा था। तो ये सब देखिए पंडाल को फाइनल टच देने के लिए सारे अरेंजमेंट किए गए हैं और मूर्ति में भी काम होना बाकी है, काम हो रहा है। तो विगत वर्षों में जो है जहानाबाद का भव्य और प्रसिद्ध पंडाल रहा है पंचमहला का। तो फाइनल यह है जहानाबाद का मुख्य माता बड़ी दुर्गा स्थल। और यहाँ पे देखिए भव्य पंडाल विगत वर्षों में रहा है। तो ये देखिए भव्य पंडाल बड़ी ठकुरवाड़ी जहानाबाद में। तो पूरे जहानाबाद शहर में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध यहीं पे मेला लगता है। तो अब और यहाँ पे देखिए सामने में लाइट लगाया गया है किस तरह से। तो पूरे जहानाबाद का सबसे प्रसिद्ध मेला यहीं पर रहता है और यह सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे देखिए किस तरह डीजे लाइट लगाया गया है। तो जहानाबाद का सबसे भव्य पंडाल यहाँ पे बनता है बड़ी ठकुरवाड़ी जहानाबाद। तो ये देखिए पंडाल के अंदर हम लोग आ गए हैं और सामने मुख्य। तो जहानाबाद पूरे शहर में सबसे बड़ा मेला और सबसे ज़्यादा भव्य मेला यहीं पे रहता है। फाइनल टच दिया जा रहा है चूँकि यहाँ मुख्य रूप से जहानाबाद में मेला नौवीं और दसवीं तिथि को लगती है। तो अभी दो तीन दिन की विलम्ब है नौवीं दसवीं आने में। तो इस तरह से देखिए कैसे यहाँ पे डीजे लाइट लगाया गया है। और इस वक्त हम हैं जहानाबाद में बौड़ी ठकुरवाड़ी मंदिर के पास। और पीछे में आप तो इस वक्त हम हैं बड़ी ठकुरवाड़ी के पास और उसके ठीक सामने पूर्व दिशा में गौरक्षणी मंदिर है जिसकी प्रतिकृत नदी है यहाँ पे। और इधर में देखिए झूला सेक्टर है तो झूला भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए झूला बनाए जा रहे हैं। और पीछे में आप देख सकते हैं जो पंडाल हमने दिखाया था बड़ी ठाकुरबाड़ी माँ का पंडाल। यह है माता मंडेश्वरी का दरबार जहानाबाद। और जहानाबाद का यह प्रसिद्ध मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है यह जहानाबाद का। और यहाँ देखिए किस तरह से आज भक्तों की भीड़ लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए। तो माता मंडेश्वरी दरबार जहानाबाद और जहानाबाद शहर का यह सबसे बड़ा मंदिर है। और देखिए मंदिर के प्रांगण में किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। माता मंडेश्वरी का दरबार जहानाबाद
तो यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि संगम तट पर स्थित है जहानाबाद में। यहाँ दरदा और यमुना दो नदियों का संगम है और संगम तट पे ही यहाँ है माता मंडेश्वरी का दरबार है। तो यह जहानाबाद शहर में सबसे बड़ा मंदिर है माँ दुर्गे का, और यहाँ नवरात्रि में, चाहे वह चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्र, नवरात्रि में यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है।